हेलो फ्रेंड्स, एडिजन में स्वागत है आपका। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिंग वेबमास्टर टूल और उसमें हुए कुछ चेंजेस के बारे में, क्योंकि बिंग वेबमास्टर टूल का इंटरफेस सब कुछ चेंज हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आप अपनी वेबसाइट को बिंग वेबमास्टर टूल में कैसे वेरीफाई करा सकते हैं, और आगे हम लोग उसके एक एक टूल को फिर समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में गूगल के बाद बिंग दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन है, और आने वाले समय में अगर गूगल को भी टक्कर दे सकता है तो वो बिंग ही है। बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहां लोग अभी भी बिंग को ही यूज करते हैं, और ये 40% ट्रैफिक पूरे वर्ल्ड का कवर करती है। और अगर आप कोई वेबसाइट या ब्लॉगर यूज करते हैं तो आपको अपनी ब्लॉगर या वेबसाइट को एक बार बिंग सर्च इंजन में जरूर सर्च करके देखना चाहिए कि वो सर्च में आती है या नहीं आती है। और अगर वो सर्च में नहीं आ रही तो इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप ये वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको अपनी वेबसाइट या ब्लॉगर को बिंग वेबमास्टर टूल में वेरीफाई कराना होगा। तो बिंग वेबमास्टर टूल के फ्रेंड्स, आप गूगल में जाएंगे और गूगल में टाइप करेंगे बिंग वेबमास्टर टूल, और यहाँ पर ये वेबसाइट सर्च हो जाएगी। आप इसे यहाँ से इसे ओपन करेंगे, और जैसे ही बिंग वेबमास्टर टूल ओपन होगा आप यहाँ से साइन इन करेंगे। यहाँ पर 3 वे है बिंग वेबमास्टर टूल में साइन इन करने का। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट है जैसे हॉटमेल पे, तो आप उसके थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, या फिर जीमेल के थ्रू डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक से कनेक्ट होकर भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप बिंग वेबमास्टर टूल में लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको 2 मेथड देखने के लिए मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉगर को बिंग वेबमास्टर टूल में वेरीफाई करा सकते हैं। यहाँ पर पहला और सबसे आसान तरीका है गूगल सर्च कंसोल। अगर आपने अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई करा रखा है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपने जिस ईमेल आईडी से गूगल सर्च कंसोल को वेरीफाई करा रखा है उस ईमेल आईडी को यहाँ पर लॉगिन करेंगे, तो डायरेक्ट वहाँ का सारा डाटा इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पर, और आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी बिंग वेबमास्टर टूल में। और जो दूसरा ऑप्शन है वो मैनुअल ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम डालेंगे, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे, और ऐड पर क्लिक करते ही और जैसे ही आप अपनी वेबसाइट को इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन मिलेगा वो XML फाइल का मिलेगा। आप इस फाइल को यहाँ से डाउनलोड करेंगे और फिर आप इसे यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको इस फाइल को सर्वर पर अपलोड करनी पड़ेगी, और जैसे ही आप सर्वर पर इस फाइल को अपलोड कर देंगे तो यहाँ से आप जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी। और यहाँ पर जो दूसरा तरीका है वो HTML टैग का है। आप इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे और हैड टैग के बीच में आपको इसे पेस्ट करना है, और जैसे आप हैड टैग के बीच में से पेस्ट कर देंगे उसके बाद यहाँ से वेरीफाई करेंगे तो आपकी साइट वेरीफाई हो जाएगी। और जो लास्ट ऑप्शन है वेरीफाई कराने का वो है एड सी नेम रिकॉर्ड और DNS। आपने जहाँ से भी डोमेन परचेज किया है आप उसके cPanel में लॉगिन करेंगे, और वहाँ टेक्स्ट में सी नेम के जगह आपको इस कोड को पेस्ट करना पड़ेगा, और DNS के जगह पे आपको इस कोड को पेस्ट करना पड़ेगा, तो फिर आपकी साइट वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीफर करें कि गूगल सर्च कंसोल में वेबसाइट वेरीफाई कराने के बाद ही बिंग वेबमास्टर टूल में वेरीफाई कराएं, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ डोमेन वेरीफाई कराने के बाद जैसे आप वेबमास्टर टूल में लॉगिन करेंगे तो इसका डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि पहले से यहाँ पर कुछ डिफरेंट है। या फिर यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि गूगल सर्च कंसोल से मिलता जुलता टूल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से आप सबसे पहले सर्च प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे, और सर्च प्रेफरेंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट डेटा शो होगा वो 3 मंथ का होगा। आप यहां से अपने अकॉर्डिंग 30 डे या फिर 7 डे पर भी डेटा को सेलेक्ट करके यहां से देख सकते हैं। ये आपको यहां पर टोटल क्लिक्स, टोटल इंप्रेशन, एवरेज CTR और एवरेज पोजीशंस आपके कीवर्ड की सारा कुछ यहां पर शो होगा। उसके बाद यहां से आप पेज को जैसे ही नीचे करेंगे तो यहां पर मुझे लगता है कि गूगल सर्च कंसोल का भी सेम ही फीचर है जो कि वेबमास्टर टूल में अभी ऐड हुआ है। आप यहां से कौन से कीवर्ड पर कितना इंप्रेशन, कितना क्लिक और CTR और एवरेज पोजीशन देख सकते हैं, जैसा कि आप गूगल सर्च कंसोल में भी देख पाते हैं। और इसी तरह से आप पेज का भी देख सकते हैं कि कौन से पेज पर आपको ट्रैफिक मिल रहा है, क्लिक्स और पोजीशंस क्या है उस पेज का। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है साइट मैप का। आप साइट मैप पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप गूगल सर्च कंसोल के थ्रू अगर अपने डेटा को इम्पोर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट साइट मैप भी यहाँ पर शो हो जाएगा, और अगर आप मैनुअली बिंग मास्टर टूल में वेरीफाई करते हैं तो यहाँ से आपको साइट मैप सबमिट करना होगा। उसके लिए आप साइट मैप पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और आप अपने साइट मैप का यहाँ पर URL देंगे, फिर यहाँ से सबमिट कर देंगे तो साइट मैप आपकी इसमें ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर कितने साइट मैप आपने ऐड किए हैं अपनी वेबसाइट में, उसमें कोई एरर है तो यहाँ पे वो एरर शो होगा, कुछ वार्निंग हुई तो यहाँ पर यह आपको वार्निंग शो करेगा, और टोटल डिस्कवर्ड जितने भी URL होंगे आपकी वेबसाइट की वो यहाँ पर शो हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर यूआरएल सबमिशंस का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यूआरएल सबमिशन की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब आप अपने वेबसाइट या ब्लॉगर में कोई नया पेज या पोस्ट क्रिएट करते हैं। इससे होता यह है कि सर्च इंजन को पता चल जाता है कि आपने कोई नया पोस्ट या पेज क्रिएट किया है, जिससे कि आपकी पेज की इंडेक्सिंग फास्ट हो जाती है और आप बिंग वेबमास्टर टूल में एक बार में 100 यूआरएल सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो नया चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो है यूआरएल एपीआई का। आप एपीआई के थ्रू ऑटोमेटिक अपने पोस्ट और पेजेस को बिंग वेबमास्टर टूल में सबमिट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस टॉपिक को अभी यहाँ पर कवर नहीं कर रहा, इसे मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा। आप यूआरएल सबमिट के लिए आप सबमिट यूआरएल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे पोस्ट, और आपके वेबसाइट के जितने भी नए पोस्ट या पेज होंगे आप उसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ सब सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपके पेज या पोस्ट की रिक्वेस्ट बिंग वेबमास्टर टूल के पास पहुँच जाएगी और वो आपका जल्दी इंडेक्स हो जाएगा और सर्च में भी जल्दी दिखने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है SEO का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के जितने भी बैक लिंक्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। डोमेन्स, पेजेज, एंकर टेक्स्ट, सिमिलर साइट्स और डिसअलाउ लिंक, जितने भी लिंक होंगे आपकी वेबसाइट के यहाँ पर वो सारे शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कीवर्ड रिसर्च का, आप यहाँ पर कीवर्ड भी रिसर्च करके देख सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर कीवर्ड रिसर्च टूल आपको परचेज करने पड़ते हैं जिसमें कि आप ज़्यादा फीचर्स देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। आप कोई भी कीवर्ड यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, कंट्री वाइज, लैंग्वेज वाइज और डिवाइस वाइज। जैसे मैं यहाँ पर SEO सर्च कर रहा हूँ और कंट्री यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इंडिया। लैंग्वेज आप अपनी यहाँ पे जो भी होगी आप सेलेक्ट करेंगे, मैं इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंग्लिश इंडिया। और डिवाइस आप मोबाइल के अकॉर्डिंग कीवर्ड सर्च करना चाह रहे हैं या फिर वेब के अकॉर्डिंग। मैं अभी वेब के अकॉर्डिंग ही कीवर्ड सर्च करता हूँ और यहाँ पर आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो SEO से रिलेटेड आपको सारे कीवर्ड यहाँ पर शो हो जाएंगे, जिस पर कि बेस्ट ट्रैफिक अभी चल रहा है, जो कि सबसे बेस्ट फीचर है बिंग वेबमास्टर टूल का। उसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा SEO रिपोर्ट का, यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का SEO रिपोर्ट देख सकते हैं और वेबसाइट में हो रहे इश्यूज भी आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे, कौन सा टैग आपकी वेबसाइट में मिसिंग है। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है H1 टैग मिसिंग है 15 पेज में, तो ऐसे ही आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं और एरर को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का एक अच्छा खासा ओवरव्यू मिल जाएगा कि SEO के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसे मैनुअली यहाँ से देख करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे साइट स्कैन का, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपनी पूरी वेबसाइट या सेलेक्टेड पेज को स्कैन करके चेक कर सकते हैं, अगर कोई एरर हुआ तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन का, क्राउलर कंट्रोल पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप क्राउलर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि वो किस टाइम में आपकी वेबसाइट को क्राउल करे। उसके लिए यहाँ पर तो भी बाय डिफॉल्ट सिस्टम सेट है, अगर लेकिन यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग टाइम जोन को सेलेक्ट करके जो भी आपका टाइम जोन है और टाइम को सेट कर सकते हैं कि किस टाइम आपकी वेबसाइट क्राउल हो। और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है वो ये है कि आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि कौन से टाइम में आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कितना होता है। तो जैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अभी शो है, यहाँ पर आप 4 AM से 9 PM के बीच में आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक क्या रहा। वैसे आप 9 AM से 5 PM के बीच भी चेक कर सकते हैं, एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि कौन से टाइम में आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अगर आप अपनी वेबसाइट पर कोई ऐड वगैरह चलाते हैं तो उस टाइम आप तो उसके अकॉर्डिंग आप सारे चीज़ों को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ब्लॉक URL का, अगर आप अपनी वेबसाइट का कोई भी URL ब्लॉक करना चाहते हैं जैसे कि वो सर्च इंजन में शो ना हो, तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पर ऐड URL पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो URL पेस्ट करेंगे और उस URL का टाइप क्या है, वो पेज है या डायरेक्टरी है, URL कैश है या कैश ओनली है, वो उस कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो वो URL 90 डेज के लिए ब्लॉक हो जाएगा यहाँ से, और 90 डेज के बाद दोबारा से वो सर्च इंजन में दिखने लगेगी क्योंकि बिंग 90 डे के लिए ही किसी URL को ब्लॉक करता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है टूल्स इन्हेंसमेंट का, आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा वो है रोबोट डॉट टेक्स्टर का, और यहाँ से आप रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल भी अपडेट कर सकते हैं और रोबोट डॉट फाइल में अगर कोई एरर है तो वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा और फिर आप उसे मैनुअली जाके सही कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वेरीफाई बिंग पोर्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे, जिस भी स्पेसिफिक जोन में आप अपनी वेबसाइट को चला रहे हैं जोन का आप यहाँ पर या फिर उस एरिया का आप IP यहाँ पर डाल के बिंग पोर्ट से वेरीफाई करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर
सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको मिलेगा कॉपीराइट्स रिमूवल का। आप इसमें क्लिक करेंगे, अगर आपकी वेबसाइट को किसी भी तरह का कोई नोटिस आता है कॉपीराइट का तो वो यहाँ पर शो होगा, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि आप कोई भी वेबसाइट या ब्लॉगर चला रहे हैं तो उस पर कोई भी कॉपीराइट कंटेंट या इमेजेस को ना लगाएं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको यहाँ पर उसका नोटिस आएगा, फिर आपको उसे यहाँ से सही करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यूज़र मैनेजमेंट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बेसिकली वही इन्फॉर्मेशन शो होगी, आपने जो वेबसाइट को वेरीफाई कराया किस ईमेल एड्रेस से कराया, कौन सा डोमेन है, इस यहाँ पर आपको बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन शो होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है यूआरएल इंस्पेक्शन का, आप इसमें क्लिक करेंगे। आपके वेबसाइट का कोई पेज या पोस्ट सर्च इंजन में शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ से उसे चेक करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई एरर हुआ तो वो यहाँ पर शो होगी, या फिर आप दोबारा से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं फास्ट इंडेक्सिंग का। ये फीचर्स पहले तो नहीं था वेबमास्टर टूल में, ये रिसेंटली इसमें ऐड हुआ और ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है। अगर फ्रेंड्स आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।